हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डिस्कवर डिवाइन इंडिया और मैं हूँ प्रतीक त्रिवेदी। तो आज गांधी जयंती के अवसर पर आज हम साबरमती आश्रम टूर करेंगे, जो गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम गांधी आश्रम पे ही है, पीछे आश्रम है और यहाँ पे पीछे साबरमती नदी है। तो साबरमती नदी के किनारे आया हुआ ये आश्रम है, जो महात्मा गांधी 1917 से 1930 के बीच यहाँ पे रहते थे। तो अभी ये म्यूज़ियम है, तो अभी इस जगह को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से मेन एंट्री है और बाइक पार्क के लिए यहाँ पे जगह है और कार पार्क के लिए वो साइड है। यहाँ पे साबरमती आश्रम लिखा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कंट्री की भाषाओं में यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ। यहाँ पे मैप है गांधी आश्रम का, तो आप अपना मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट भी कर सकते हो और आपको डिजिटली आपको गाइड मैप भी मिल जाएगा। तो अभी अंदर जाते हैं और यहाँ पे लाइब्रेरी, हृदय कुंज, यहाँ पे सब डायरेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, जो हम लोग बाद में जाएंगे। यहाँ पे स्कूल की पिकनिक है आज, ढेर सारे बच्चे आए हैं स्कूल से। और जैसे आप अंदर एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको बुक शॉप मिलेगा, जो पुरानी बुक्स और वो सब यहाँ पे मिलता है। वहाँ पे खादी का और एनजीओ वहाँ पे है और वहाँ पे छोटा सा आश्रम है, मैं बताता हूँ वो कौन सा आश्रम है। तो वहाँ पे पहले जाते हैं। तो यहाँ पे इस कुटीर को विनोबा भावे कुटीर और मीरा कुटीर के नाम से जाना जाता है, जो विनोबा भावे 1918 से 1921 यहाँ पे रहते थे। फिर उसके बाद मेडलिन स्लेड ने यहाँ पे 1925 से 1933 यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रहा था, जिसके बाद उनको उनका नाम मीरा बहन के नाम से प्रसिद्ध हुई यहाँ पे। तो इस आश्रम पे दो जन यहाँ पे, दो क्रांतिकारी यहाँ पे रहते थे। Thank you.
तो आप देख सकते हो कि कितना छोटा सा कुटीर है। यहाँ पे किचन जैसा या कपड़े धोने के लिए या कुछ तो था, यहाँ पे छोटा सा बाथरूम टाइप। और यहाँ पे विनोबा भावे रहते थे यहाँ पे 3 साल के लिए। यहाँ पे गांधी जी और मीरा बहन की फोटो है यहाँ पे। तो मीरा बहन थी वो भी एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी जो गांधी जी से जुड़ चुकी थी सत्याग्रह में। और ये विनोबा भावे और गांधी जी की तस्वीर है। हम लोग ने इस कुटीर पे गए थे, विनोबा भावे और मीराबेन जहाँ पे रहते थे उनके ही सामने यहाँ पे हृदय कुंज है जहाँ पे महात्मा गांधी और कस्तूरबा बा का घर है यहाँ पे। अभी हम लोग वो एक्सप्लोर करेंगे। ये हृदय कुंज है, इस घर को हृदय कुंज कहते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी और कस्तूरबा बा रहते थे 1918 से 1930 तक। और यहाँ से दांडी मार्च शुरू किया था। यहाँ पे आश्रम के रूल्स थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पत्र है यहाँ पे। अभी हम रूम देखने जाते हैं जो कस्तूरबा बा का रूम था वो यहाँ पे है, कस्तूरबा बा का रूम। ये छोटा सा घर कस्तूरबा बा का रूम था। यही कस्तूरबा बा के रूम के सामने यहाँ पे गेस्ट रूम है। तो यहाँ पे गांधी जी की यात्रा पूरी बताई हुई है, मतलब उनके नाम से मोहनदास से महात्मा तक का जो सफ़र है वो यहाँ पर है बताया हुआ है। कौन से साल में क्या क्या किया गांधी जी ने, सत्याग्रह सब। और यहाँ पे छोटा सा आंगन है घर के बीच में। और यहाँ पे किचन है। तो ये किचन है, यहाँ पे खाना बनाया जाता था। और यहाँ पे ये सब किचन का सामान है। ये गांधी जी का पैन है। लकड़ी का चम्मच, पेपर कट करने के लिए। ये थाली है, चप्पल।
और यही किचन में यहाँ पे गांधी जी का अस्थि कुंभ है यहाँ पे, और चरखा, गांधी जी की छड़ी, ये गांधी जी की छड़ी है, तो ये सब यूज होता है। और ये तो अस्थि कुंभ है, अंदर ओरिजिनल था गांधी जी ने। अभी हम गांधी जी के, हाँ अभी हम गांधी जी के ओरिजिनल चरखा जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये ओरिजिनल चरखा है जो गांधी जी यूज करते थे यहाँ पे बैठ के। गांधी जी का चरखा है जो गांधी जी यूज करते थे, और है गांधी जी का टेबल और वो सब। This is track now. This is track now. तो उन्होंने रूई से धागे पे डाला और बाद में ये चक्की घुमाया, उसके बाद यहाँ पे खादी का धागा बन गया यहाँ पे। हम लोग पहले वहाँ पे गए थे जहाँ पे विनोबा भावे और मीरा बहन रहते थे वो आश्रम में। उसके बाद यहाँ पे हृदय कुंज पे हम लोग गए जहाँ पे कस्तूरबा भाव और महात्मा गांधी रहते थे, और यहाँ पे हम लोग ने चरखा भी देखा और किचन का सामान भी वो सब हम लोग देखा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रार्थना सभा पे जाते हैं जहाँ पे गांधी जी यहाँ पे प्रार्थना करते थे, और गांधी जी और यहाँ पे जो आश्रम में रहने वाले जो लोग थे वो यहाँ पे सुबह शाम प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पे सुबह प्रार्थना होती थी यहाँ पे, जब आश्रम में लोग रहने आते थे तो सुबह के टाइम यहाँ पे प्रार्थना होती थी, और पूरे दिन काम करने के बाद शाम को यहीं पे सब लोग मिलकर अपना हिसाब किताब करते थे, यानी मैंने कितना काम किया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी हम लोग अंदर जाते हैं, तो जूता निकालना पड़ता है यहाँ पे भी। अभी तक हम लोग ने यहाँ पे विनोबा भावे का आश्रम देखा जहाँ पे विनोबा भावे रहते थे, और गांधी जी का आश्रम देखा जहाँ पे गांधी जी और कस्तूरबा भावे रहते थे, और यहाँ पे और एक छोटा सा आश्रम है जहाँ पे ढेरों चरखे, अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्टेट के चरखे जो उस टाइम पे थे। तो चलिए अभी अंदर जाते और एक्सप्लोर करते। बहुत ही अलग अलग तरीके के चरखे, अलग अलग डिज़ाइन के जो 70-80 साल पुराने हैं। तो गांधी जी का स्टैच्यू वहाँ पे है, तो वहाँ से आप लेफ्ट लोगे तो इस रास्ते से आप यहाँ पे आओगे। तो ये छोटे से आश्रम में हम लोग जाते हैं।
इसे मगनलाल का भी आश्रम बोलते हैं, मगनलाल गांधी। और यहाँ पे अंदर जाते हैं तो ये फर्स्ट चरखा है जो गांधी जी पहली बार यूज करते थे, बारडोली खड़ा चरखा। तो यहाँ पे हिस्ट्री लिखा है लेकिन बुझ चुका है तो आपको पढ़ने नहीं होगा यहाँ से कैमरा में। तो ये पहले टूटा फूटा था, बाद में रिपेयर करके गांधी जी अपने रोज की जो ज़रूरतें जो थी वो पूरी करते थे इससे घर चलाने के लिए। और इसको पेटी चरखा बोलते हैं, जो इसको ये सूटकेस जैसा। और ये बनवाया जाता था खादी का। ये किसान चरखा, इसका डिजाइन देखिए आप। और भी अलग अलग टाइप के चरखा है यहाँ पे, आप उसका डिजाइन देखिए आप। ये सुतार कांतन चरखा, पंजाब खड़का चरखा। ये बांबू खड़का चरखा। ये राजस्थानी चरखा। ये आद्रखंड चरखा। डिजाइन देखिए आप, छोटा बड़ा चरखा। इस तरीके से जो खाद जो थी वो चरखे से इस तरीके से बनवाते थे, बाद में कलर करते थे। और एक खादी के कपड़ा, एक घरेलू साबरमती ओटनी बोलते इसको, इसको बोलते साबरमती ओटनी। इतना बड़ा चरखा है। भूषण पिंजण, एक गांधी खड़ा चरखा। तो आपने यहाँ पे अलग अलग टाइप के वैरायटी के चरखे हम लोग ने देखे यहाँ पे अलग अलग स्टेट के। आपको यहाँ पे और एक चरखा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जो 1924 का है, कमला माँ गुरु यहाँ पे यूज़ करते थे इस चरखे को। और इस चरखे की क्या खासियत ये थी कि ये चरखा सबसे बारीक जो सूत रहता है यान वो ये प्रोड्यूस करता था ये चरखा। अभी साबरमती आश्रम में हमने सब कुछ कवर कर लिया, अभी हम जाते हैं लाइब्रेरी जाते हैं। अभी वहाँ पे बहुत कुछ है देखने, जैसे गांधी जी के बारे में सब कुछ इतिहास और म्यूज़ियम है, तो वहाँ जाते हैं अभी। आप एंट्री करते हो जब उसके सामने ही आपको लेफ्ट साइड आपको म्यूज़ियम आपको देखने मिल जाएगा।
यहाँ पे इस आश्रम में कौन कौन रहते थे, जो मुख्य लोग थे उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है। शुरुआत यहाँ से कीजिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से है यहाँ पे आश्रम का मॉडल है। यहाँ पे जो 1930 और 1990 के टाइम पे जो था उस तरीके से यहाँ पे बनवाया है, उस तरीके का एरा यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे इंडिकेशन दिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ये आश्रम है जहाँ पे गांधी जी रहते थे और ये विनोबा भावे का और मीरा बहन का आश्रम है। ये मगनलाल का, जो है मगनलाल का जहाँ पे हम लोग ने ढेर सारे चरखा हम लोग ने देखा था ना, वो यहाँ पे है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ये वो तस्वीर है जहाँ पे गांधी जी को मतलब पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे थे, तब आप देख सकते हो कि कितने लाखों के तादाद में लोग आए थे। तो आज हमने इस साबरमती आश्रम का टूर किया हम लोगों ने। अगर आप अहमदाबाद आते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, आपको यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको फील होगा। तो ये जगह साबरमती आश्रम कह सकते हैं कि गांधी जी के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता था और यहाँ से ही दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी और सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, हमारे देश की आज़ादी की शुरुआत हुई थी यहाँ से। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिख दीजिए।